हेलो एंड ग्रेट वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज हम प्यारी सी एजुकेशनल वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रैंड स्लैम जो होते हैं टेनिस के, अभी अभी ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसके एक तरह से रिजल्ट आ गए हैं। चलिए जानते हैं हम ग्रैंड स्लैम। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये है 2021। सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि कितने टूर्नामेंट्स होते हैं ग्रैंड स्लैम। ये एसोसिएटेड है किस से? टेनिस से। टेनिस से एसोसिएटेड है ये ग्रैंड स्लैम जो है। और टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं 4। क्या क्या है इनके नाम देखिए। सबसे पहले है ए से, अब आप एप्पल नहीं बोलेंगे, ए से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ए से है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, जो जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है जनवरी मंथ में, बट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ दिस पैंडमिक इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अभी ये फैब में ही अभी खत्म हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया था। देन ए के बाद आएगा एफ। एफ से है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद खेला जाता है जनरली, और इसका जो कोर्ट होता है वो होता है क्ले। क्ले पे इसको खेला जाता है, जिस कोर्ट पे ये ऑर्गेनाइज होता है। और ये फ्रेंच यानी एक तरह से फ्रांस, पेरिस या अलग अलग जो जगह होती हैं फ्रांस की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है विंबलडन, और विंबलडन जो होता है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। जी हाँ, विंबलडन ओपन, एंड ये खेला जाता है ग्रीन ग्रास, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रास रहती है यहाँ पे कोर्ट में जहाँ पे ये खेला जाता है। एंड फोर्थ वन लास्ट ग्रैंड स्लैम है और इसका नाम है यूएस ओपन, और ये खेला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली, और अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो ये भी होता है हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑर्गेनाइज हुआ ये कहाँ पे, मेलबोर्न पार्क में। और अगर हम देखते हैं ड्यूरेशन का, तो 8 to 21 February 2021 में, और ये एडिशन जो था वो 109th नंबर का था। और यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि ये पहला ग्रैंड स्लैम होता है साल का। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड। डेट कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया, एडिशन 109 था। एंड कैटेगरी की बात करते हैं तो ये ग्रैंड स्लैम है, एंड यहाँ पे सरफेस जो होता है वो हार्ड सरफेस के ऊपर खेला जाता है। लोकेशन जो है वो मेलबोर्न, और वैसे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। कैनबरा कैपिटल है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो होते हैं उसको यूज किया जाता है। हियर वी कैन सी द सिंबल, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन एंड एस से हो जाएगा यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल है एक्चुअली। और वेन्यू जो स्थल रहा दैट इज द मेलबोर्न पार्क। ये जो स्लाइड है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विनर्स जो हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है, यहाँ पे हम मेंस के नंबर वन जो हैं टेनिस के चैंपियन को देख सकते हैं, और यहाँ पे नंबर वन वुमेन कैटेगरी में जो रही उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंस सिंगल्स के अवार्ड को। यहाँ पे ये जो चैंपियनशिप जीती गई है ये जीती गई है नोवाक जोकोविक के द्वारा, जो कि सर्बिया, सर्बिया एक यूरोप की कंट्री है, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है वो कैपिटल हो जाएगी, एंड यहाँ पे करेंसी जो होती है वो होती है दिनार। एंड इन्होंने किनको हरा के जीता है, इन्होंने डैनियल, डैनियल मेद्रोव जो है उनको हराया है, और ये इनका 18th ग्रैंड स्लैम था। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन था इनका 9th, मतलब 9वीं बार इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। उसी तरह से यहाँ पे वुमेन सिंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका नाम है नोआमी ओसाका। इन्होंने अपना ये चौथा जो होता है ग्रैंड स्लैम जीता है, और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन था ये। ये बिलोंग करती हैं जापान से,
और इन्होंने किसे हरा के जीता है, डिफीट किया है इन्होंने यूएसए की जेनिफर ब्रेडी को, जेनिफर ब्रेडी, जी हाँ, और ये है यूएसए से, कई बार इनके भी नाम आ जाते हैं। नेक्स्ट हम विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं जो आपको लर्न नहीं करनी है, ये जस्ट एक तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं और नेम्स जो भी चैंपियनशिप के अवार्ड जिन्होंने अपने नाम किए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं, अलग अलग अवार्ड्स होते हैं। मेंस का सिंगल होता है जो अभी हमने देखा नोवाक जोकोविक ने अपने नाम किया है। फिर होते हैं यहाँ पे वुमेन्स का सिंगल होता है जो कि नोआमी ओसाका, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, जापान से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा डबल्स होते हैं, डबल्स में मेल्स की कैटेगरी के भी होते हैं, मेल्स मेंस में डबल होता है, वुमेन्स में डबल होता है, एंड यहाँ पे मिक्स डबल्स भी होते हैं। मिक्स डबल्स के अंदर क्या रहता है कि मेल एंड फीमेल, वन मेल एंड वन फीमेल की कैटेगरी यहाँ पे रहती है। ओके, उसके अलावा व्हीलचेयर पे भी मतलब बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं उनके टूर्नामेंट्स भी अरेंज करवाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन्हीं के नेम्स हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिस्ट में नाम है मेंस डबल, तो ये खिताब जो है एक तरह से ये चैंपियनशिप किन्होंने अपने नाम की है, इवान डिगोग और फिलिप पोलासेक ने। वुमेन्स डबल्स की अगर बात करते हैं तो एलिसी मर्टेंस और आरिना सबालेंका ने अपने नाम की है। मिक्स डबल्स में देखते हैं तो बारबोरा क्रिसिकोवा एंड राजीव राम, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, इन्होंने अपने नाम पे किया है ये टूर्नामेंट। व्हीलचेयर मैन सिंगल की बात करते हैं जो जोआसिम गेरार्ड ने अपने नाम किया है। व्हीलचेयर वुमेन सिंगल का अवार्ड गया है डाइडी डी ग्रोट के नाम पे, एंड व्हीलचेयर क्वाड सिंगल की बात करते हैं तो ये डायलन एलकोट ने अपने नाम किया है, एंड व्हीलचेयर मेंस डबल्स की बात करते हैं तो एल्फी हीवेट एंड गोर्डन रियर्ड ने अपने नाम पे किया है। एंड नेक्स्ट इज व्हीलचेयर वुमेन्स डबल्स का खिताब, ये जो टूर्नामेंट जीता गया है डाइडी डी ग्रोट एंड एनिक वैन कोट के द्वारा। व्हीलचेयर क्वाड डबल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डायलेन एलकोट एंड हीथ डेविडसन ने जीता है, तो ये जस्ट एक आप इनका रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेंगे वो है मैन सिंगल के एंड वुमेन सिंगल के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेरी सून वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियोज, तो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आर वीडियो।